नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत चौथी बार एशिया का सरताज। दिल्ली सेवा डेटा प्रोटेक्शन बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी। सुधा मूर्ति महादेवन अब बच्चों का सिलेबस बनाएंगे। मिस्र में पाई गई लघु वेल की नई प्रजाति। सेना के करीबी बलूच नेता काकर बने पाकिस्तान के अंतरिम पीएम। चीन में पड़ोसी को पैसा न देना पड़े इसलिए पत्नी के नाम की संपत्ति, फिर तलाक। निलंबित सांसद संसदीय पैनल की बैठकों में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। अंटार्कटिका में बेस की सुरक्षा के लिए भारत बनाएगा ध्रुवीय पोत। टोडा जनजाति के लोगों से मिले राहुल। मणिपुर में शांति के लिए म्यांमार में भी सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी, विधायक ने कहा। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा जेल से रिहा। श्रीनगर एयर बेस पर MiG-29 तैनात, पाक चीन पर निगाह। जेलेंस्की ने घूसखोरी के आरोपों के बाद सेना भर्ती केंद्रों के 33 अफसरों को बर्खास्त किया। वाराणसी में सर्व सेवा संघ के मकानों पर बुलडोजर, विरोध के बाद 7 हिरासत में। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।